हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमाऊं यूनिवर्सिटी नोट्स। गाइस, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं लेके आई हूँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएससी सेकंड ईयर के नोट्स हैं, और ये यूनिट 6 है आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री की, और यूनिट नेम है सरफेस केमिस्ट्री। ओके, सो आप लोगों की डिमांड आई थी कि हमें केमिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए सरफेस केमिस्ट्री के, सो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। और इसमें आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं, और आप लोगों को नोट्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट शेयर जरूर कर सकते हैं। सो इसमें आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री, फिर इसके पॉइंट्स है एडजॉर्प्शन। सो इसकी टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन इसका पॉइंट है, कितने प्रकार के होते हैं एडजॉर्प्शन। ओके, सो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को कोई भी नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कमेंट शेयर जरूर कर सकते हो। यहाँ पर एक केमिकल एडजॉर्प्शन है नंबर 2 पॉइंट, फिर ये क्वेश्चन है गिव द डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन। गाइस, इसमें बीच बीच में मैंने इम्पॉर्टेंट शो कर रखे हैं, सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। सो आप लोगों का इसमें 2 बेनिफिट हो रहे हैं, एक तो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, साथ ही आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी पता लग रहे हैं। ठीक है, वीडियो को मैं फुल एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है और आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं वीडियो को फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट के अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोगों को नोट्स को रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी वे में लिखे हुए ये नोट्स हैं, और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में भी आ रहे होंगे। यहाँ पर ये जो टॉपिक है फ्रॉम रीन्स मेथड, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम में आया हुआ टॉपिक है ये। आप लोग उसे, मैं हर वीडियो में ये ज़रूर कहती हूँ कि आप लोग के पास अगर अनसोल्ड है तो आप उसमें चेक ज़रूर कीजिएगा कि कौन से ईयर्स में आए हैं। इससे आप लोगों के बेनिफिट बहुत मिलेगा आप लोगों को, और आप लोग लास्ट 5 ईयर्स के अगर अनसोल्व सॉल्व करते हो तो आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगी। बिकॉज आप लास्ट ईयर के अगर लास्ट फाइव ईयर्स के अगर आप पेपर सॉल्व करते हो तो उसमें कई बार होता है कि क्वेश्चन पेपर्स जो अनसोल्व होता है उसमें रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है एग्ज़ाम में। ओके, और इससे आप लोगों का ये भी आप लोगों को पता लगता है कि आप लोग ये जानना चाहते हो कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं एग्ज़ाम में, तो वो अनसोल्ड से आप लोगों को पता लग जाता है। और यहाँ पर ये जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस अब तो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, बट पहले आते थे, ये पहले के ही नोट्स हैं। और यहाँ पर ये आप लोगों की यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।